सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वीडियो में। मैं विनोद, और आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यहाँ पर जितनी भी प्राइस वहाँ पर डीटीन के अंतर्गत दी गई है उन सभी को इसी वीडियो में। इससे पहले हम इसका पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी वहाँ पर पब्लिश कर चुके हैं, तो यह इसका तीसरा पार्ट है जो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हम सबसे पहले प्राइस की बात करेंगे वह है वहाँ पर नारी शक्ति पुरस्कार 2018। ठीक है, सबसे पहले बात करें यह दिया किसे गया है, तो यह दिया गया है INSV तारिणी की टीम को। यह अवार्ड वहां पर दिया किसने था, तो भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ पर यह अवार्ड दिया था। ठीक है ना, अगर बात करें तो यह अवार्ड कब दिया गया था, तो यह इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर जो की 8 मार्च को मनाया जाता है उसी दिन दिया गया था। ठीक है, अब बात करें INSV तारिणी की टीम के बारे में, तो इन्होंने जो है वहां पर पहली दफा पूरी ग्लोब का वहां पर चक्कर लगाया था। इसके अंतर्गत जो है वुमेन इंडियन क्रू की टीम थी जो कि 6 लोगों की थी। ठीक है, 6 महिलाओं की थी जिनको वहां पर लीड किया था वर्तिका जोशी ने। ठीक है, इसके अंतर्गत जो पूरा जो ग्लोब का चक्कर लगाने में जो टोटल समय लगा था वो था 254 दिन। इसी 254 दिन में 199 दिन जो INSV तारिणी की टीम थी वो 199 दिन जो वहां पर शिप पे इन्होंने वहां पे गुजारी थी। तो ये अपने आप में वाकई में बहुत बड़ी बात है। चलिए बात करते हैं अगले प्राइस की। ऐसे में जो यहाँ पर आज का हमारा अगला प्राइस है वह है सरस्वती सम्मान 2018। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान 2018 यह दिया कि नहीं गया, तो यह शीतांशु यश चंद्र जी को दिया गया है। ठीक है, सरस्वती सम्मान अवार्ड 2017, तो 2018 ये एक्चुअली अवार्ड जो है ना ये 2018 का ही है, लेकिन दिया जाता है 2017 के बेहतरीन रचना के आधार पर। ठीक है, 2017 में जिन्होंने अच्छा काम किया है उसके लिए वहां पर 2018 में अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो यह जो है यानी शीतांशु यश चंद्र जी, यह जो है गुजराती पोएट है। ठीक है, इनकी जो पोएट्री है ना वह कौन है, वक्खर। ठीक है, वक्खर नामक इनकी एक पोएट्री है। और सरस्वती सम्मान अवार्ड के अंतर्गत हम आपको बताएं तो इसके अंतर्गत जो है कैश प्राइस तकरीबन 15 लाख, इसके अलावा माँ सरस्वती की वहां पर प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको हम बता दें कि पहले रिसिपेंट वहां पर सरस्वती सम्मान अवार्ड के वह कौन है, तो यह है हरिवंश राय बच्चन जी को यहाँ पर सबसे पहले दिया गया था वहां पर सरस्वती सम्मान अवार्ड। ठीक है ना, सरस्वती सम्मान अवार्ड सबसे पहले वहां पर किन्हें दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन को। 2018 का सरस्वती सम्मान अवार्ड किन्हें दिया गया, तो यह शीतांशु यश चंद्र जी को दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले अवार्ड की। तो यहाँ पर जो आज का हमारा अगला अवार्ड है इसके अंतर्गत आता है पुलिटजर प्राइज 2018। इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यह जर्नलिस्ट के फील्ड में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें प्राइज के, तो इसके अंतर्गत पब्लिक सर्विस का जो प्राइज वो दिया गया वहां पर द न्यूयॉर्क टाइम्स को। क्रिटिसिज्म का जो अवार्ड है वो दिया गया जेरी साल्स को जो कि न्यूयॉर्क और मैगजीन के संपादक हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का जो वहां पर अवार्ड था वो वहां पर दिया गया द वॉशिंगटन पोस्ट को। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कई सारे प्राइजेस वहां पर पुलिटजर प्राइज के अंतर्गत दिए जाते हैं, लेकिन वो सारे प्राइजेस वहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिया। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर अगली प्राइस को। तो अगला जैसे में आज हम देखेंगे यहाँ पर प्राइस हुआ है आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड 2018। इसके अंतर्गत हम बता दें आपको, तो 2013 से लेकर 18 तक नहीं यह दिया गया था, हालांकि चूंकि 18 भी चल ही रहा है तो 18 का नहीं दिया जा सकता, तो 17 तक का यहाँ पर जितने भी अवार्ड है उन सभी की घोषणा कर दी गई है। इसके अंतर्गत आपको हम बता दें कि 2013 का जो आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड था वो वहां पर दिया गया राज्यसभा की MP डॉक्टर नजमा हिब्तुल्ला को। इसके बाद बता दें कि 2014 का जो यही अवार्ड है यानी कि आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड, यह वहां पर दिया गया हुकुमदेव नारायण यादव को। 2015 का जो अवार्ड है वो वहां पर दिया गया गुलाम नबी आजाद को। 2016 का जो अवार्ड है वो वहां पर दिया गया दृजेश त्रिवेदी को, ये भी MP ही है ना। और 2017 का जो अवार्ड है वो वहां पर दिया गया भारत रुहारी महताब जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगले प्राइस की। तो अगला जो यहाँ पर हमारा प्राइस है वह कुछ रैंडम प्राइजेस है। ठीक है,
तो इसके अंदर हम आपको बताते हैं, तो सबसे पहले थर्ड जो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया गया वहाँ पर डरबन साउथ अफ्रीका में। इससे रिलेटेड वहाँ पर अंदर के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि तीसरा जो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल वहाँ का आयोजित किया गया, तो यह डरबन साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया है ना। 2018 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वहाँ पर किन्हें दिया गया, तो यह टोटल 7 लोगों को दिया गया है। 2018 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड यह टोटल 6 लोगों को दिया गया है। इन 6 लोगों में बात करें तो 2 भारतीय हैं, ठीक है, तो इसलिए ये अवार्ड इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये 2 भारतीय कौन कौन है, तो एक है भारत वाटवानी और दूसरे हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को आप ऐसे जान सकते हैं कि 3 इडियट फिल्म में जो आमिर खान ने जो रोल वहाँ पर प्ले किया था, वह रोल किनसे प्रेरित था, वहाँ पर फुनसुक वांगड़ू के रोल से वहाँ पर प्रेरित था, ठीक है। वह सोनम वांगचुक के रोल से प्रेरित था, जो कि रोल वहाँ पर आमिर खान ने किया था फुनसुक वांगड़ू का, ठीक है। वह किससे प्रेरित था, सोनम वांगचुक के रोल से प्रेरित था, ठीक है। चलिए तो ऐसे में बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।